नमस्ते एंड वेलकम टू रिद्धिमास किचन। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी कोकोनट लड्डू। इसे आज हम कंडेंस्ड मिल्क से बनाएंगे। फेस्टिवल्स का सीजन आ चुका है और आजकल हर कोई घर पे मिठाई बनाना प्रेफर करता है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनती है, साथ ही आप इसे किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं। आप एक बार ये कोकोनट लड्डू बना लेंगे तो आपको बाहर की कोई भी कोकोनट की मिठाई पसंद नहीं आएगी, और जिसे भी आप इसे खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस अबाउट माय वीडियोस। इसके लिए हम 3 कटोरी नारियल का बुरादा ले लेंगे। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। मैं यहाँ पे रेगुलर कटोरी यूज कर रही हूँ। ये 300 ग्राम के करीब नारियल का बुरादा है। इसके बाद हम कंडेंस्ड मिल्क ले लेंगे। मैं यहाँ पे अमूल का कंडेंस्ड मिल्क यूज कर रही हूँ। आप इसके लिए कोई भी कंडेंस्ड मिल्क यूज कर सकते हैं। मिल्क मेड का कंडेंस्ड मिल्क भी आता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मुट्ठी भर बादाम ले लेंगे, मुट्ठी भरी काजू ले लेंगे और मुट्ठी भरी पिस्ता ले लेंगे। आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक चीज अवेलेबल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी 2 इंग्रेडिएंट से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे अकेले बादाम से भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी इलायची ले ली है। आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इन सब चीजों को एक मिक्सर जार में डाल देंगे। इलायची भी डाल देंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। थोड़ा सा नारियल का बुरादा हम साइड पे रख लेंगे। इसके बाद अब हम एक नॉनस्टिक पैन या कढ़ाई ले लेंगे और इसमें जो हमने नारियल का बुरादा बाउल में डाला वो डाल देंगे। थोड़ा सा नारियल का बुरादा बचा लेंगे, करीब आधा कटोरी, और इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट तक भून लेंगे। ध्यान रखेंगे कि फ्लेम लो ही रखनी है। इसे चलाते रहना, नहीं तो कोकोनट जल सकता है। आप नॉनस्टिक की जगह पे कोई भी भारी तले का बर्तन भी यूज कर सकते हैं। इसे भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल देंगे। ये करीब 400 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क है। इसे अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि कंडेंस्ड मिल्क बेस पे ना चिपके। आप चाहें तो इस टाइम पे फ्लेम बंद भी कर सकते हैं और कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद फिर से फ्लेम ऑन कर दें और लो फ्लेम कर लें। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखें कि ये जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। कोशिश करें कि इसे बिल्कुल लो फ्लेम वाले बर्नर पे ही बनाएं। अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाया वो डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हमारी मिठाई हार्ड हो जाएगी। बस आधे मिनट के बाद ही अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप सारी मिक्सिंग फ्लेम ऑफ करने के बाद भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद मिक्सचर काफी ठंडा हो चुका है। साथ ही मैंने यहाँ पे जो हमने कोकोनट पाउडर अलग से रखा था वो भी ले लेंगे। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे हाथ पे रोल करके इसे लड्डू की शेप दे देंगे और इसे बुरादे में ऐसे रोल कर देंगे और प्लेट पे रखते जाएंगे। अब हम ऐसे सारे लड्डू बना लेंगे। मेक श्योर कि आपके हाथ बिल्कुल साफ हों और सूखे हों। घी लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, बर्फी का शेप भी दे सकते हैं और ऐसे भी शेप दे सकते हैं।
जो भी शेप आपको इजी लगे आप उसे वो दे सकते हैं। हमारी मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी है। इस पे मैंने बुरादा नहीं लगाया है और पिस्ता को ऐसे हाफ में स्लिट करके टॉप पे लगाया है। आप चाहें तो इस पे भी पिस्ता लगा सकते हैं, चाहें तो इस पे बादाम भी स्लिट करके लगा सकते हैं। ये 10 मिनट से भी कम टाइम में बन जाती है और ये एक बहुत ही हेल्दी मिठाई है। जब भी आपको व्रत में एकदम से क्रेविंग हो आप इसे खा सकते हैं, ये बहुत ही फिलिंग रहती है। आप इस मिठाई को फ्रिज में 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। अब हम इसे सर्व कर लेंगे, तो आप भी इस नवरात्रि इसे जरूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।